हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के लाइफ साइंस के 2023 के, दैट इज़ मार्च 2023 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उन क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस डेवलपमेंटल बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज हम देखेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको इससे मदद मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इन चीक ग्लास्टुरेशन इन्वॉल्व इनवर मूवमेंट ऑफ सेल थ्रू द, जो शुरू हो रहा है वहाँ से ही हमें एक ट्रिक यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे चिक बोला गया है, और चिक अगर बोला गया है और इनवर्ड मूवमेंट पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा। पहली चीज़ है ब्लास्टोडर्म, सेकंड वन इज़ योक, थर्ड वन इज़ क्लीवेज फरो एंड फोर्थ वन इज़ प्रिमेटिव स्टिक। सो अगर हम चिक में देखें तो चिक में प्रिमेटिव स्टिक का फॉर्मेशन होता है, बाकी किसी में अगर सेल की मूवमेंट इनवर्ट हो रही है तो उसे प्रिमेटिव स्टिक हम नहीं कहेंगे। और कुछ नाम से हम फ्रॉग में अगर कह रहे हैं तो अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली चिक में कह रहे हैं तो चिक में प्रिमेटिव स्टिक का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ग्लास्टुलेशन अगर चिक में इनवर्ट मूवमेंट हो रहा है सेल का तो उसे हम प्रिमेटिव स्टिक कहते हैं। पे अगर हम देखें तो ये है चिक का एम्ब्रियो। चिक का एम्ब्रियो में यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्टेरियर एपिब्लास्टिक सेल चेंज देयर शेप एंड थिकनिंग टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्टिक। सो पोस्टेरियर साइड के जो सेल्स है वो थिकनिंग वहाँ पे हो रही है और वो प्रिमेटिव स्टिक का फॉर्मेशन करने के लिए शुरुआत कर रही है। यहाँ पे सेल माइग्रेशन हो रहा है कन्वर्टेड एट अ प्रिमेटिव स्टिक एंड कॉजिंग इट इन टू द इलॉन्गेशन। सो यहाँ पे प्रिमेटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ के जो सेल है वो अंदर के साइड पे मूवमेंट कर रहे हैं जिससे प्रिमेटिव स्टिक क्या कर रही है, इलॉन्गेट हो रही है। सो इसीलिए सेल का माइग्रेशन अगर चिक में अंदर के साइड में हो रहा है तो दैट विल बी फॉर्मिंग ए प्रिमेटिव स्टिक। इसीलिए इसका जो आंसर है दैट इज़ द प्रिमेटिव स्टिक। अब हम आगे के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे भी फोल्डिंग ऑफ शीट ऑफ सेल, द माइग्रेशन ऑफ सेल एंड एपोप्टोसिस आर ऑल मैकेनिज्म ऑफ। सो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल, अगर हमें फोल्डिंग ऑफ शीट सेल, माइग्रेशन ऑफ सेल एंड एपोप्टोसिस ऑफ सेल, ये सारे मैकेनिज्म कहाँ पे होते हैं, क्लीवेज पैटर्न में होते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन में होते हैं, मार्फोजेनेसिस में होते हैं या फिर डिफ्रेंसिएशन में होते हैं। सो अगर सिंपल हमें ये पता हो कि एपोप्टोसिस का कहाँ पे होता है, एपोप्टोसिस अगर हम देखें तो चिक में हो या फिर हमारे ह्यूमंस में हो, जो हैंड्स होते हैं हमारे हैंड्स के बीच में भी या जो स्किन होती है उसको एपोप्टोसिस जो होती है वो लास्ट में कर दी जाती है, इसलिए हमारे फिंगर्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है जिसमें हम फोल्डिंग ऑफ शीट कहेंगे, माइग्रेशन ऑफ सेल्स फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन कहेंगे या फिर एपोप्टोसिस जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो ह्यूमंस में हो या फिर फ्रॉग्स में हो या फिर चिकन में हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्फोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एपोप्टोसिस ये सारी जो मैकेनिज़म्स है वो मोस्ट कॉमनली मार्फोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसे हम मार्फोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो इन ड्रोसोफिला द फेट ऑफ अर्ली ब्लास्टोमर इज डिटरमाइंड थ्रू ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, सिंक्राइशल स्पेसिफिकेशन या फिर मैटरनल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे भी एक हिंट यहाँ पे हमें दी गई है, दैट इज़ इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की डेवलपमेंटल स्टडी आपने अगर कर दी करी है तो स्पेसिफिकेशन जो है, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में हम मोस्ट कॉमनली ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इन ड्रोसोफिला सिंक्राइशल स्पेसिफिकेशन एक टाइप का स्पेसिफिकेशन है जो सिर्फ ड्रोसोफिला में देखा जाता है, जहाँ पे जो सेल्स हैं वो न्यूक्लियस
जो है उनका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, वो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन नहीं करते, वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का डिविजन ना होके ये सारी सेल्स जो है वो पर्टिकुलर एक ही सेल में डिवाइड होके फिर माइग्रेट करती है साइट में, और फिर हर एक सेल को फिर सेल मेम्ब्रेन से कवर कर दिया जाता है और फिर वो सेल सेपरेट होती है। इस टाइप का स्पेसिफिकेशन जो है वो सिर्फ ड्रोसोफिला में देखा जाता है। सो इसीलिए इन ड्रोसोफिला मोस्ट कॉमनली जो स्पेसिफिकेशन ड्रोसोफिला में देखा जाता है उसे हम सिंक्राइशल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सिंक्राइशल स्पेसिफिकेशन। सो इस प्रकार के जो 3 क्वेश्चंस है जो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत छोटे छोटे टाइप है और हिंट से ही आपको पता चल जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। सो इस तरह से आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही करके जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के जो PYQs 2023 में आए हुए हैं वो मैं आप सीरीज़ में लूँगी। इसके बाद सेल बायोलॉजी के 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक। सो वो 12 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इसके अगले वीडियो में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस डेवलपमेंटल बायोलॉजी से महाराष्ट्र सेट में आते हैं। So, thank you so much for watching this video, guys. All the best. Keep learning. And please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.